जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मैं समझती हूं कि मैं बार बार कहती हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर खास कर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑनस्लॉट किया है हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस प्लीज। मैम, क्या ये लीगल है, ये मूव इलेक्टोरल ऑफिस के लोगों को? मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीकेकार अपनाए हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आइनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती, मगर गैर आइनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ इस तरीके से जो भारी वोटर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है, जो पार्टी इलेक्शन इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मारे जाते हैं, हर एक खून की बूंद का की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के का वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज़ को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और इविल एक उन्होंने तरीके का डिज़ाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। महबूबा जी, जब यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेटिस्टों की तरफ से या लोग खुद एक मकतबे के लोग थे यहाँ जो बायकॉट कर सकते, उनकी अभी 25 लाख की तादाद आ गई। अब अगर इलेक्शंस होंगे जो पहले से बायकॉट करते थे, दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा 25 लाख की वजह से? तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो रोल ही खत्म हो गया। नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट, वही तो चाहते हैं। वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बीजेपी में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके इस मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। What will be the next step of the ministry? Because as you said that it was the last nail up. हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। मैंने कहा, मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। Thank you.
थैंक यू। वो आपके लोग आ रहे हैं कल मुझसे मिलने, एबीपी वाले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महबूबा मुफ्ती ने सीधे निशाने पर बीजेपी को लिया। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। ये पूरा मामला जो है वो दरअसल गैर कश्मीरियों को, मतलब जो बाहर के लोग हैं, उनको वोट डालने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर अब ये सियासी बवाल जो कश्मीर में छिड़ गया है। अब महबूबा मुफ्ती सामने आई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने दल हैं उनको एक साथ आना चाहिए, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।